फाइनली दोस्तों ओप्पो का आप फाइंड एंड फोल्डेबल फोन देखे, जो कि फाइनली दोस्तों काफी सारे इसका लीक्स आ रहे थे, वो फोन दोस्तों फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर एड्स किए हैं, क्या क्या इसके डिटेल्स है, सारी दोस्तों डिटेल्स गूगल पे लीक्स हो चुके हैं, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, अगर आप ओप्पो का ये फोल्डेबल फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर ही देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फाइनली दोस्तों इस फोन में क्या क्या फीचर एड्स किए गए हैं, क्या क्या लीक्स आया, सारी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में जान ही लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लेते हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए और बिना किसी इंट्रो को स्टार्ट कर लेते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी हां दोस्तों, ओप्पो का जो फाइंड एंड फोल्डेबल फोन लॉन्च हो रहा है, ये चाइना में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों इंडिया में किस डेट को लॉन्च किया जाएगा, क्या क्या प्राइस रखा गया है, क्या और इसके फीचर इसमें एड्स किए गए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको देते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं फोन के डिजाइन का। तो डिजाइन आप बैक साइड में देख सकते हैं दोस्तों, काफी प्रीमियम डिजाइन देखने को नजर आएगा। और बैक साइड में दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा देखने को नजर आएगा, जो कि दोस्तों कलर में बात करें तो ये फोन दोस्तों व्हाइट और ब्लैक में लॉन्च हुआ है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोन के फीचर के। तो फीचर में सबसे पहले दोस्तों फोन के बात कर लेते हैं डिस्प्ले के। जी हां दोस्तों, डिस्प्ले के, क्योंकि दोस्तों ये फोन डिस्प्ले वाइज काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब भी ये फोल्ड किया जाएगा, फोल्ड से ओपन किया जाएगा, तो ये डिस्प्ले के मामले में काफी बेहतरीन फोन होने वाला है। जैसे कि दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले का, तो यहाँ पे 11.1 इंच का 2K 120 हर्ज रिफ्रेंस के साथ LTPO E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपका इंटरनल 5.49 इंच का और 60 हर्ज का AMOLED डिस्प्ले देखने को नजर आएगा। दोस्तों आपका एक्सटर्नल 1000 निट्स ब्राइटनेस के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको डिस्प्ले में UTG अल्ट्रा थिकनेस के साथ फ्लेक्सिबल ग्लास देखने को नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्सिबल ग्लास, जो कि काफी बेहतरीन ग्लास है। दोस्तों आपको इससे बहुत ही ज्यादा बेस्ट डिस्प्ले देखने को नजर आने वाला है, जिसमें दोस्तों आप मल्टीटास्किंग, फ्री फायर, अदरवाइज पबजी कोई गेम खेल सकते हैं बहुत ही स्मूथली तरीका से। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाइज फोन काफी बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों बात कर लेते फोन का बैकअप दोस्तों, यानी बैटरी बैकअप का, तो 4500 mAh का बैटरी बैकअप 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों आपको 15 वाट का वायरलेस चार्जर देखने को नजर आएगा। दोस्तों आपको इसमें आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को नजर आएगा, USB Type-C पोर्ट, ADU 3.5 mm देखने को नजर आएगा। दोस्तों स्टोरेज की बात कर ले तो यहाँ पे फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को नजर आएगा। पहला दोस्तों 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा दोस्तों 12GB रैम, 512GB टॉप ब्रांड में ये फोन लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों फोन का कैमरा की बात कर ले तो बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को नजर आएगा, जिसका प्राइमरी लेंस होगा 50 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल प्लस 30 मेगापिक्सल का आपका ट्रिपल रियर कैमरा देखने को नजर आएगा। दोस्तों आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोस्तों आप स्लो जैसे मोशन वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और भी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको बैक साइड कैमरा में देखने को नजर आएंगे। वही दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का आपका फ्रंट कैमरा देखने को नजर आएगा, जिसमें दोस्तों आप ब्यूटी पोर्ट्रेट फोटो और 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से, और भी बहुत सारे फीचर आपको फ्रंट कैमरा में देखने को नजर आएंगे। तो ओप्पो का ये फोन दोस्तों कैमरा वाइज काफी बेहतरीन फोन आपका होने वाला है। वही दोस्तों बात कर ले तो फोन के चिपसेट का, तो यहाँ दोस्तों आपको गेमिंग चिपसेट देखने को नजर आएगा, स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट का 5G सपोर्टेड प्रोसेसर देखने को नजर आएगा, जिसमें दोस्तों आप मल्टीटास्किंग, फ्री फायर, पबजी, अदरवाइज कोई भी हार्ड गेमिंग को आसानी से रन कर पाएंगे, लैग और हीटिंग की संभावना इस फोन में होने वाला ही नहीं है। दोस्तों इस फोन में आपको चिपसेट काफी बेहतरीन देखने को नजर आएगा। दोस्तों बात कर लेते फोन का प्राइस का, तो प्राइस अभी कंपनी की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही दोस्तों आपको प्राइस भी कंफर्म हो जाएगा। लॉन्चिंग डेट दोस्तों बात कर लेते हैं, तो लॉन्चिंग डेट भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2022 में ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इस ओप्पो का फोल्डेबल फोन का इंडिया में क्या प्राइस होना चाहिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलता है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।